Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, ओशियन गेट की 22 फुट लंबी पनडुब्बी टाइटन अंटार्कटिक सागर में डूब गई है। इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। मौत कितनी दर्दनाक होगी इसका आप और हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो 5 लोग डूबकर मरे हैं उनकी लाश तक नहीं मिल सकती है। अमेरिकी नौसेना के डॉक्टर रहे एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया है कि इस छोटी सी पनडुब्बी में मौत के आखिरी पल कैसे रहे होंगे। यकीन मानिए, जो कुछ भी उन्होंने बताया है उसे जानकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जो कुछ भी इन डॉक्टर ने बताया है उसे जानकर आपके दिमाग में बनने वाली तस्वीर काफी डरावनी होने वाली है। बात करें तो रोबोट को दिखे टुकड़े। यूएस नेवी के रिटायर्ड हाई रैंकिंग डॉक्टर की माने तो पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स में ही हो गई होगी। इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। इस पनडुब्बी के अंदर यात्री कुचल दिए गए होंगे। इन लोगों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें ऐसी मौत मिलेगी। गुरुवार को समुद्र की सतह से लगभग 2 मील नीचे गहरे समुद्र में मौजूद एक रोबोट ने टूटे हुए पनडुब्बी के टुकड़ों को देखा था। मलबे की खोज से पता चलता है कि रविवार को टाइटैनिक जहाज के मलबे से नीचे उतरते समय ही सबमर्सिबल से एक भयानक विस्फोट हो गया था। डेली मेल ने अमेरिकी नौसेना के साथ काम कर चुके अंडरसी मेडिसिन एंड रेडिएशन हेल्थ के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डेल मोले के हवाले से मौत के आखिरी पलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि टाइटन जो है वो काफी खतरनाक तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि टाइटन क्रू ने अपने दुख अंतिम क्षणों में क्या क्या अनुभव किया होगा। मोले के मुताबिक यह सब इतना अचानक हुआ होगा कि उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि कोई समस्या थी या फिर उसके साथ हुआ या हो रहा है। उन्होंने कहा, यह ऐसा ही है जैसे आप हर 1 मिनट रुके और फिर स्विच बंद कर लिया था। 1 मिलीसेकंड के लिए आप जिंदा हैं और अगले ही मिलीसेकंड में आप मर चुके हैं, जैसे फटा हो गुब्बारा। डॉक्टर मोले ने पनडुब्बी में हुए विस्फोट की तुलना गुब्बारे के बहुत अधिक फूलने पर उसके फटने से की है। उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में उनके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। इनके शब्दों में इम्पल्शन यानी कि विस्फोट तब होता है जब दबाव की लहर अंदर की ओर होती है, जबकि एक्सप्लोजन विस्फोट तब होता है जब दबाव का लहर या शॉक वेव किसी भी बाहरी स्रोत से आती है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई खाली सोडा कैन पर खड़ा होता है तो यह आपके वजन को संभाल लेगा, लेकिन अगर आप किनारों पर दबाव डालेंगे तो कैन तुरंत जो है वो ढह जाएगा। नीचे पहुंचते ही विस्फोट। उनका कहना था कि सबमर्सिबल का पानी के अंदर मौजूद दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे जहां समुद्र तल से करीब 400 गुना ज्यादा दबाव होता है। मोले ने कहा है कि प्रेशर हल यानी कि दबाव पतवार वह जगह है जहां पर ये सभी लोग बैठे थे। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे ही वे नीचे तक पहुंच गए और पनडुब्बी फट गई है। बाकी इस तरीके की घटना को लेकर आपकी राय